एवरीवन, माय नेम इज शिवानी एंड वेलकम टू अनंत आईएएस। और आज 18th ऑफ जनवरी का डेली न्यूज एनालिसिस हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम पहली न्यूज लेंगे जो है रीच आउट टू मार्जिनलाइज इन ऑल कम्युनिटीज। ऐसा कहा है हमारे प्रधानमंत्री ने, सभी काडर को और सभी डिपार्टमेंट्स को भी कहा है कि रीच आउट टू मार्जिनलाइज इन ऑल कम्युनिटीज, सभी कम्युनिटीज में मार्जिनलाइज लोगों को रीच आउट करें। और ऐसा वो कह रहे हैं क्योंकि 400 दिन बचे हैं हमारे जो अभी इलेक्शन होने वाला है। So 400 days left to connect with the poor of all communities and to ensure that our policies designed to provide saturation benefits to them help them have helped all। मतलब उन सबको फायदा मिल रहा है या मिला कि नहीं जो हमने अभी तक अपनी पॉलिसीज को आगे लेके गए हैं। तो वो कह रहे हैं कि मार्जिनलाइज लोगों को ट्रैक करने की जरूरत है, जिनके लिए हमने अपनी जो है पॉलिसीज बनाई है, जिनको रीच आउट हम करना चाहते हैं, वो पहुंचा या नहीं पहुंचा उसको चेकआउट करने के लिए। क्योंकि हम सब जानते हैं कि 2024 में जनरल इलेक्शन है, उसको लेकर के ये चीज एक बड़ा स्टेप है। और पॉलिटिकल इवेंट तो है ही, क्योंकि ऑफकोर्स नेक्स्ट डेमोक्रेसी में एक नए चुनाव, एक बड़े चुनाव के होने के लिए जरूरी है कि पहले अपने जो बेसिक्स को क्लियर करना जरूरी है। तो पॉलिटिकल स्टेप में ना जाते हुए ये समझते हैं कि बीइंग अ सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो समझना जरूरी है। तो समझते हैं कि व्हाट इज मार्जिनलाइजेशन, जो शब्द यहाँ यूज हुआ है उसका क्या मतलब है। रेफर्स टू द ग्रुप बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ सोसाइटी, मतलब ये वो लोग हैं जो हम ही लोगों में से एक हैं, लेकिन उसको एक शब्द दे दिया गया है बस। तो क्या कह रहे हैं कि रेफर टू द ग्रुप बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी, किस उनको अलग किया गया है समाज से, किस ग्राउंड पे, सोशल ग्राउंड पे, इकोनॉमिक ग्राउंड पे, और किसने किया है, पॉलिटिकल सिस्टम ने। आप देखिए ना हर की अभी आप देखें एससी को, आप देख लें एसटी को, देख लें ओबीसी जो हम बात कर रहे हैं, कास्ट एग्रीगेशन है, ईडब्ल्यूएस की बात होती है, फिर माइनॉरिटीज की बात होती है। तो एक्चुअली ये सब है क्या, ये सब चीजें क्या है, एक तरीके का डिवाइड क्रिएट करती है जो सोशल भी होता है, इकोनॉमिकल भी हो गया ईडब्ल्यूएस को लाने के बाद, और ये कर कौन रहा है, पॉलिटिकल सिस्टम। तो हमारे पॉलिटिकल सिस्टम की वजह से इस तरह का डिवाइड क्रिएट होता है लोगों के अंदर, बेनिफिट मिले या ना मिले, लेकिन एक बहस, एक तरह का द्वंद लोगों के मन में चलता रहता है, तो उससे क्रिएट होता है मार्जिनलाइजेशन। और अगर आप एनसीईआरटी की बात करें, क्लास 9 की अगर आप एनसीईआरटी फॉलो करते हैं, जो मैंने इसमें इकोनॉमिक्स में बताया भी है, एक शब्द यूज होता है, उसे कहते हैं वल्नरेबल ग्रुप्स। ध्यान दीजिएगा, वल्नरेबल ग्रुप्स, इन्हीं में से कई सारे कैटेगरी के लोग होते हैं जहां पर उनको कोई बेसिक सुविधाएं मुहैया नहीं हो पाती हैं, चाहे वो सोशल बैकग्राउंड पे हो, चाहे इकोनॉमिकल बैकग्राउंड पे हो, या पॉलिटिकल बैकग्राउंड पे हो। उस केस में इन लोगों को आहत ज्यादा होता है, क्योंकि ये वैसे भी इकोनॉमिकल फाइनेंशियल स्टेप से कमजोर है, पैसे की वजह से कमजोर है, साथ ही साथ उनका एक्सपोजर सामाजिक तौर पे भी कम है, लोगों ने उनको हाशिए पर रख रखा है, ठीक है। तो इस तरह के लोगों को ट्रैक करने की बात उन्होंने कही। और ये जो अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा इन लोगों को इन पॉलिसीज की जरूरत है और उनको अवेयरनेस की भी जरूरत है, ठीक है। सो मार्जिनलाइज पीपल ऑफन वर्क इवन मोर देन अदर्स, जो ये मार्जिनलाइज लोगों को बोला जा रहा है, इसमें कोई भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि कोई स्पेसिफिक कास्ट वाले ही हो सकते हैं। आप देखिए कि ईडब्ल्यूएस में जनरल कैटेगरी के भी बहुत सारे लोग होते हैं, जो है तो वो जनरल कैटेगरी के, लेकिन फाइनेंशियली वो स्ट्रांग नहीं है, उनको भी मार्जिनलाइज पीपल कहा गया है, ठीक है। सो वो कह रहे हैं कि वो लोग ज्यादा काम करते हैं दूसरों के बतौर, बट आर येट डिप्रीव फ्रॉम द एक्सेस टू वाइटल नीड्स लाइक वाटर एंड सैनिटेशन, लेकिन फिर भी उनको जैसे बेसिक चीजें जो होती हैं, जैसे पानी हो गया, साफ सफाई हो गई, फूड सिक्योरिटी की बात होती है, सोशल सिक्योरिटी की बात होती है, तो उस केस में इन लोगों को फिर भी चीजें मुहैया नहीं हो पाती हैं। और उसको ट्रैक करने के लिए हमारे पीएम साहब ने एक मैसेज दिया अपने सभी कार्डर को, और वो हमने समझा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट न्यूज है हमारी दाओस से, जहां पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीट चल रही है, जो 16 से लेकर के 20 तारीख तक शायद है। तो उस केस में वहां से न्यूज आई है कि WEF लॉन्चेस इनिशिएटिव टू अनलॉक $3 trillion ईयर फॉर क्लाइमेट। तो वो कह रहे हैं कि जो हमारे जो अभी तक की जो क्लाइमेट को बचाने की जो जद्दोजहद, जो प्रयास है, उसको अचीव करने के लिए इतना अमाउंट का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, अनलॉक किया गया है, मतलब इसको इंजेक्ट किया जाएगा। और ये इनिशिएटिव है WEF का। WEF क्या है? समझेंगे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ऐसे तो आप समझ सकते हैं इसके नाम से। तो उनका जो लॉन्च किया है उस स्कीम को कह सकते हैं, या जिसके तहत वो ये बात बोल रहे हैं, वो क्या है, GAEA। क्या इसका मतलब क्या हुआ, गिविंग टू एम्पलीफाई अर्थ एक्शन, GAEA टू हेल्प अनलॉक $3 trillion ऑफ फाइनेंसिंग नीडेड ईच ईयर टू रीच नेट जीरो, रिवर्स नेचर लॉस एंड रिस्टोर बायोडायवर्सिटी बाय 2050। 2050 तक का उन्होंने टाइमलाइन दी है कि हमको अपनी बायोडायवर्सिटी को बचाने के लिए, नेचर लॉस को बचाने के लिए हमको फंडिंग चाहिए,
और कितना चाहिए लॉन्चेस इनिशिएटिव टू अनलॉक। अनलॉक मतलब उनके पास खुद का पैसा तो है नहीं, डब्ल्यू इकोनॉमिक फोरम के पास, उनको भी विदेशों से सपोर्ट मिलता है, तो $3 ट्रिलियन का पैसा उनको इंजेक्ट करने की आवश्यकता है इस क्लाइमेट क्लाइमेट क्राइसिस को, या फिर जो भी बायोडायवर्सिटी के सहारे हम लोग सभी देश जो करना चाहते हैं उसको अचीव करने के लिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो 1.5 डिग्री सेल्सियस का जो टारगेट है उसको अचीव करने के लिए, क्योंकि हम सब अभी एनर्जी और कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस से गुजर रहे हैं। हम लोग सब जानते हैं कि विश्व में जगह जगह अलग अलग देशों में स्लो डाउन चल रहा है, इकोनॉमिक स्लो डाउन है, और अभी न्यूज भी आ रही है रिसेशन को लेकर के। सो उस केस में कॉस्ट ऑफ लिविंग और एनर्जी क्राइसिस, फ्यूल प्राइसिस को लेकर के और रिन्यूएबल एनर्जी को भी लेकर के कई चीजें बहस में हैं। तो उसके साथ ही साथ हमें अपने क्लाइमेट को भी तो बचाना है कि अगर सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे तो क्लाइमेट के बारे में कौन सोचेगा, राइट? सो हमें उसको ध्यान में रखते हुए इतना अमाउंट का इनिशिएटिव उन्होंने लॉन्च किया है। और ये जो जो अमाउंट है, जो अमाउंट कैसे आता है इकोनॉमिक फोरम के पास, अगर आप आर्टिकल को समझे, द ग्लोबल इनिशिएटिव टू फंड एंड ग्रो न्यू एंड एग्जिस्टिंग पब्लिक प्राइवेट एंड फिलान्थ्रोपिक पार्टनरशिप, ये 4 P आ गए हैं, इसको याद रखिएगा। एक होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये वो नहीं है, ये है पब्लिक प्राइवेट एंड फिलान्थ्रोपिक पार्टनरशिप। फिलान्थ्रोपिक मतलब सभी के भले के लिए, राइट? नाउ इज सपोर्टेड बाय मोर देन 45 पार्टनर्स, के 45 से भी ज्यादा पार्टनर हैं इस इनिशिएटिव में, जिसमें एसएल टेक्नोलॉजी भी है। तो बड़े बड़े फर्म जो है, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो इन सब में इन्वेस्ट करती हैं ताकि क्लाइमेट चेंजेस के जो टारगेट्स हैं उनको अचीव किया जा सके। नाउ अगर आप इसके साथ, वो कह रहे हैं कि जो COP15 का जो टारगेट है, कॉन्फ्रेंस CBD, कॉन्फ्रेंस ऑफ COP15 इन मॉन्ट्रियल, उसको उसमें क्या था, टू कंजर्व 30% ऑफ ऑल अर्थ एंड सी लुक्स बोल्ड बट फ्रजाइल इन द फेस ऑफ राइजिंग बायोडायवर्सिटी क्राइसिस। तो अगर आप देखें कोप की, कई अभी मेरी एक 27 भी हुआ था, COP27, ये COP15 की बात कर रहे हैं जो मॉन्ट्रियल में हुआ था, ईयर मेंशन नहीं है यहाँ पर। तो जब भी आप बायोडायवर्सिटी को, ये टॉपिक बायोडायवर्सिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है आपका इकोलॉजी वाले पार्ट में, और साथ ही साथ ही GS3 में भी इंपॉर्टेंट है। तो COP17 जो मॉन्ट्रियल की, 27 की जो बात कर रहे हैं जो अभी हुआ था, साथ ही साथ COP15 की भी बात कर रहे हैं, तो ये सारी एक सीरीज है। आप देखिए मॉन्ट्रियल कन्वेंशन, क्योटो प्रोटोकॉल, सारी चीजें आपको एक एक जगह आप नोट्स में ऐड कर लीजिए, क्योंकि इससे प्री में क्वेश्चन बनते हैं और मेन से भी क्वेश्चन बनते हैं। सो उस लिहाज से अभी उनके जो को फाउंडर, जिनके जो फाउंडर है, जो कह कौन रहा है, ये WEF फाउंडर एंड एग्जीक्यूटिव चेयरमैन क्लॉस स्वाब, नाम याद रखिएगा, ये कह रहे हैं ये बात। और इस प्लेटफॉर्म से अगर कोई इतनी बड़ी बात कह रहा है तो डेफिनेटली एक बड़ी बात है जिसको आने वाले टाइम में हम सिग्निफिकेंटली रूप से देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट न्यूज भी इसी सर्वे से है जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने कंडक्ट कराया। वो कह रहे हैं कि 3 में से 2 इकोनॉमिस्ट हैं, वो ये बात कह रहे हैं कि फाइनेंशियल टर्बुलेंस है, दिक्कत है। और क्या दिक्कत है? ग्लोबल रिसेशन की, लाइकली इन 2023 में रिसेशन आने की, ग्लोबल रिसेशन आने की उम्मीद है, लाइकली। ठीक है, आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, कम ज्यादा वो देखेंगे। अगर आपको याद हो कि IMF की MD ने भी यही बात बोली थी कि 2023 में हमको बड़े बड़े डेवलप्ड देशों में रिसेशन देखने को मिल सकता है, स्लो डाउन देखने को मिल सकता है, और वो फिर चैनल हो जाएगा डेवलपिंग इकोनॉमीज में भी। तो वही बात अभी सर्वे भी कह रहा है, और ये डेटा कंडक्ट कराया गया 2022 में। ठीक है, इसमें टर्म यूज हुआ है स्टैगफ्लेशन। कल जब मैंने मेरी डेली न्यूज एनालिसिस अगर आप देखते हैं, आज तारीख है 17, राइट, माई मिस्टेक 18, अगर आप 17 तारीख का डेली न्यूज एनालिसिस देखें तो उसमें मैंने इसको आराम से समझाया है कि व्हाट इज स्टैगफ्लेशन, व्हाट इज स्लो डाउन और व्हाट इज रिसेशन। इसके साथ ही साथ में एक डेडिकेटेड वीडियो भी है, वो भी आप देख सकते हैं, इसमें मैं डिप्रेशन रिसेशन को बहुत अच्छे से समझाया है, आपको फायदा मिलेगा। सो वो कहना चाह रहे हैं कि ये जो सर्वे है ये कहना चाह रहा है कि ग्लोबल रिसेशन देखने को मिल सकता है 23 में, और क्यों ना हो, क्योंकि हम सब जानते हैं कि चाइना की जो जीरो कोविड पॉलिसी के बाद, ध्यान रखिएगा, चाइना की जीरो कोविड पॉलिसी के बाद ऐसा हुआ कि बहुत सारे देशों में इसका इम्पैक्ट गया नेगेटिव रूप से, इसीलिए चाइना का GDP भी नीचे आ रहा है, चाइना की पॉपुलेशन भी नीचे आ रही है। और एक बात और मैं आपको कह दूं कि हमारा भी सेंसस कंडक्ट नहीं हुआ है इंडिया का, याद है जो 21 में होना था, सेंसस कंडक्ट नहीं हुआ है, वो एक पोस्टपोन हो गया है। अगर हम अपना सेंसस कराएं तो हमें भी अपने पॉपुलेशन में चेंज देखने को मिलेगा, और यही आज का एटोल में डिस्कस भी हुआ था कि जो NFSA के अंदर बात हो रही है ना कि हम सबको फ्री अनाज मुहैया कराएंगे, तो वो कह रहे हैं कि आप बड़ी बड़ी पॉलिसीज तो कह रहे हैं, देने की कोशिश भी कर रहे हैं, पर क्या आपने चेक किया है कि कितनी पॉपुलेशन है,
कितने लोगों के यहाँ राशन कार्ड है, कितने लोग कितनी इस वक्त कितने लोगों को आपको एनएफएसए देना भी है कि नहीं देना है। तो जब तक आप सेंसस नहीं कराओगे आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सी पॉलिसी में किसको फायदा होने वाला है। जैसे कि बात हो रही मार्जिनलाइज लोगों को, तो मार्जिनलाइज लोगों को ट्रैक करने के लिए भी सेंसस हेल्प करता है, एक बहुत बड़ा सर्वे है ये, राइट। सो उस केस में इस न्यूज से वापस आते हैं, तो अगर आपको स्टैगफ्लेशन का मतलब होता है स्टैग्नेंट इन्फ्लेशन, समझने के लिए बता रही हूँ। तो अगर आप 17 तारीख का मेरा डेली न्यूज एनालिसिस देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि व्हाट इज स्टैगफ्लेशन, व्हाट इज रिसेशन और कैसे ये देशों को इम्पैक्ट करता है। आगे देखते हैं। Now, what is World Economic Forum in Davos 2023? तो आप देखिए कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो मीटिंग चल रही है 2023 की, वो है 16 से 20 तारीख के बीच में, और इसकी थीम है कोऑपरेशन इन द इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। ठीक है, इसकी थीम को याद रखिएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या है? इज द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेशन है, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। द फोरम एंगेजेस द फॉरमोस्ट पॉलिटिकल, बिजनेस, कल्चरल एंड अदर लीडर्स ऑफ सोसाइटी टू शेप ग्लोबल, रीजनल एंड इंडस्ट्री एजेंडास। ध्यान दीजिएगा, नॉन प्रॉफिट है और 1971 में इसका गठन हुआ, जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है, और मुझे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वेबसाइट से मिला, आप भी रेफर कर सकते हैं। उसके साथ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट आती है, उसको आप जरूर रेफर करिएगा, जरूर पढ़िएगा कि उसमें क्या चीजें लिखी, कभी कभी एजेस पूछी जाती हैं, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है क्या उसके बारे में भी जानना जरूरी है। नाउ नेक्स्ट न्यूज है हमारी चाइना से, कि जिसमें ये कहा जा रहा है कि चाइना की पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रही है और इंडिया उसको ओवरटेक करेगा, राइट। उनकी पॉपुलेशन में 10% ड्रॉप हुआ है और इंडिया उसको उसके आगे निकल जाएगा। इस चार्ट से भी यही सबको दिख रहा है कि आप देखें कि चाइना इंडिया का जो लाइन है वो ऊपर ऐसे आया फिर इधर आया, और ये हमारा जो आप बाय मिस्टेक, इंडिया का जो जो चार्ट है वो ऐसे जा रहा है और साउथ अफ्रीका का यहाँ है, और भी देश है, मतलब कि रशिया उसके साथ चाइना नीचे जा रहा है, साथ में ब्राजील भी उसके साथ है। तो ब्राजील, इंडिया और साउथ अफ्रीका में होड़ है, उसमें इंडिया ऊपर निकल के जाएगा, क्योंकि हमारे जो इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो सेकेंड नंबर पे है, और जब जब चाइना नीचे आएगा तो डेफिनेटली इंडिया आगे निकल जाएगा। चाइनाज क्रूड बर्थ रेट वॉज द हाइएस्ट अमंग ऑल ब्रिक्स नेशन इन 1963, बट डिक्लाइन रेपिडली टू बिकम द लोएस्ट इन 2020। ब्रिक्स देशों में चाइना का हाइएस्ट नंबर था पॉपुलेशन में, जो नीचे आ रहा है, राइट। सो ब्रिक्स देशों को एक बार आप देख लीजिएगा, इसमें ब्राजील है, उसके बाद रशिया है, उसके बाद इंडिया है, और उसके बाद चाइना है, और उसके बाद साउथ अफ्रीका है। ये ब्रिक्स देशों में इंडिया ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो चाइनाज पॉपुलेशन डिक्लाइन बाय 8,50,000 इन 2022, द फर्स्ट सच ऑल सिंस अ नेशन वाइड फेमीन इन 1961। और ये कह रहे हैं कि ये नेशन वाइड जब उनका फेमीन हुआ था, जब अकाल पड़ा था 1961 में, उसके बाद अब है, मार्किंग अ लैंडमार्क डेमोग्राफिक शिफ्ट फॉर द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी, राइट। और बहुत बड़ा डेमोग्राफिक शिफ्ट है उनकी इकोनॉमी के लिए, वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी। और उसके साथ ही साथ इंडिया विल ओवरटेक चाइना एज अ वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस नेशन 2023 अकॉर्डिंग टू द यूएन रिपोर्ट रिलीज लास्ट ईयर। जो रिपोर्ट आई थी यूएन की, उसके हिसाब से हम आगे जाएंगे। इफ द लास्ट पॉपुलेशन ड्रॉप 6 decades अगो, वो कह रहे हैं कि जो लास्ट पॉपुलेशन ड्रॉप हुआ था वो माओ ज़ेडोंग के टाइम पे हुआ था, जब उनकी जो पॉलिसी थी ग्रेट लीप फॉरवर्ड वो जब फेल कर गई थी, उस केस में हुआ था। वैसे ये मेंस के पर्पज से क्वेश्चन हो सकता है जीएसटी में, माओ ज़ेडोंग की क्या पॉलिसी थी, ग्रेट लीप फॉरवर्ड क्या है इस कैंपेन के बारे में। द करंट ट्रेंड्स रिफ्लेक्ट चेंजिंग सोशल वैल्यूज इन चाइना एज फैमिलीज चोज टू हैव फ्यूअर चिल्ड्रन। तो उनकी उसके साथ ही साथ उनकी पॉलिसी कुछ समय पहले आई थी, जिसमें वन चाइल्ड पॉलिसी को चाइना ने बहुत ज्यादा इम्पोज किया था, जब उनकी पॉपुलेशन ऊपर जा रही थी, लेकिन वो हैव फेल टू रिजर्व द ट्रेंड, और उस ट्रेंड को वो फेल नहीं को फॉलो नहीं कर पाया, फेल हो गई वो पॉलिसी, और 21 में उन्होंने फिर से थर्ड टू चाइल्ड पॉलिसी मूव केम 5 years आफ्टर टू चाइल्ड पॉलिसी हैड बीन इंट्रोड्यूस्ड टू बोथ बूस्ट गवर्नमेंट कैंपेन्स ओवर द पास्ट डिकेड टू बूस्ट बर्थ रेट्स। यू टर्न फ्रॉम ईयर्स ऑफ हार्श वन चाइल्ड पॉलिसी, ए वन चाइल्ड पॉलिसी के बाद उन्होंने उस पॉलिसी को चेंज किया क्योंकि पॉलिसी फेल हो गई। इन 2021 बीजिंग्स फैमिली प्लानिंग अथॉरिटी फॉर द फर्स्ट टाइम अलाउड कपल्स टू हैव अ थर्ड चाइल्ड, और 21 में ऐसा उन्होंने अलाउ किया कि कपल तीसरा बच्चा भी कर सकते हैं। द मूव केम 5 years आफ्टर अ टू चाइल्ड पॉलिसी, और ये जो मूव हुआ था वो 2 साल बाद आया टू चाइल्ड पॉलिसी। तो पहले उन्होंने उनका जो पॉलिसी थी ग्रेट
लीव फॉरवर्ड और फेल हुई माओ जेडोंग के टाइम में। उसके बाद उन्होंने वन चाइल्ड पॉलिसी को लेकर आया जो नहीं चली, फिर उसके बाद टू चाइल्ड पॉलिसी को आए लेकर के आया, फिर फाइनली उन्होंने तीसरे बच्चे की भी अलाउंस किया, पर फिर भी उनकी पॉपुलेशन में ड्रॉप देखा जा रहा है। और इसका कारण सिर्फ पॉपुलेशन, इसका कारण मेडिकल है, क्योंकि ध्यान दीजिएगा वन चाइल्ड पॉलिसी में उन्होंने जो जो भी स्टेप उठाए, मेडिकल स्टेप्स उठाए अपनी जनता के लिए, उससे उनकी उनकी जो पॉपुलेशन पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। इसका पहले एक चर्चा हो चुकी है एक आर्टिकल में कि हमें अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए वो स्टेप नहीं उठाने हैं, अपने लोगों को स्टेरॉइड या अलग कुछ ऐसा मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं देना है जिससे उनके स्वास्थ्य पे इम्पैक्ट आए। और ये वन चाइल्ड पॉलिसी में हुआ है चाइना में, जिसकी वजह से एक तो कोविड, उसके साथ साथ जो उसका वन चाइल्ड पॉलिसी कॉन्सिक्वेंसेज है वो वहां की जनता झेल रही है, जिसकी वजह से नंबर्स नीचे आ रहे हैं एज पर द आर्टिकल जो हम कुछ दिन पहले डिस्कस कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान पीएम मूड सीरियस सिंसियर टॉक्स विद मोदी, तो ये बहुत बड़ा एक चेंज भी समझा जा रहा है। जिस कुछ आर्टिकल कह रहे हैं कि ये इंडिया की जियोपॉलिटिकल सीरीज में एक बहुत बड़ा स्टेप है, जहां पाकिस्तान खुद से बात करने के लिए कह रहा है वांट्स पीस विद इंडिया बट व्हाट इज हैपनिंग इन कश्मीर शुड बी स्टॉप, पर जो कह रहे हैं कश्मीर में जो हो रहा है उसको रोक देना चाहिए। वी हैव हैड थ्री वॉर्स विद इंडिया एंड दे हैव ओनली ब्रॉट मोर माइजरी पॉवर्टी, सेज शहबाज शरीफ, जो वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने बात बोली है। शांति की बात करना चाहते हैं पर कश्मीर में जो हो रहा है उसको रोकना चाहिए, उन्होंने इसकी शर्तें लगाई हैं कि कश्मीर की बात जब होगी तो ही हम बात करेंगे, राइट। तो इसको तो इस अभी इंडिया का इसमें कोई फ्रंट नहीं है। और ये उन्होंने इंटरव्यू दिया दुबई की AI अरबिया टीवी, उसमें उन्होंने इंटरव्यू दिया और उन्होंने हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए ये मैसेज भेजा। अब इसके साथ साथ ये समझने वाली बात है कि पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस भी चल रहा है, अभी हमने आर्टिकल में से समझा भी था कुछ दिन पहले, और वहां पे जो टेररिस्ट एक्टिविटीज है वो भी काफी प्रोपेगेट हो गई है, जिसकी वजह से उनको एक आसपास कोई ऐसा लग रहा है कि वो थोड़ा सा परेशान है वो देश, और जिस वजह से कोई ऑप्शन ढूंढ रहा है, क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट्स इस बात को कहते हैं कि पाकिस्तान को अपने सार्क देशों से संबंध अच्छे रखने चाहिए। सार्क देश है, साउथ के ऐसे बड़े देश हैं जो अगर आपस में इकट्ठे हो जाएं और साथ में पावर की तरह बन के निकले, जैसे पाकिस्तान को कहा जा रहा है कि इंडिया से बना के चलना चाहिए, तो उसके लिए फायदेमंद रहेगा। लेकिन फिर भी जो उनका अड़ियलपना है कश्मीर को लेकर के वो फिर से दिख रहा है, वो कह रहे हैं कि कश्मीर के ऊपर बात करेंगे, जहां जो हो रहा है उसको रोकना चाहिए पहले। तो समझते हैं एक्चुअली वो क्या कह रहे हैं आर्टिकल 370 के बारे में। तो पहले क्या था आर्टिकल 370 और अब क्या है इस पिक्चर से समझते हैं। पहले स्पेशल पावर थी JNK को, अब कोई स्पेशल पावर नहीं है, मतलब कोई स्पेशल दर्जा नहीं दिया गया है। पहले डुअल सिटीजनशिप थी, अब सिंगल सिटीजनशिप है। पहले सेपरेट फ्लैग था JNK का, अब ट्राई कलर जो हमारा झंडा है वही फ्लैग है। उसके साथ ही साथ स्टेट इन चार्ज ऑफ पॉलिसिंग, बट अब सेंटर उसका चार्ज रहेगा, पहले स्टेट था। आर्टिकल 360 में जो फाइनेंशियल इमरजेंसी पहले एप्लीकेबल नहीं होती थी, अब एप्लीकेबल है फाइनेंशियल इमरजेंसी भी JNK में। नो रिजर्वेशन फॉर माइनॉरिटीज, पर अब माइनॉरिटीज विल बी एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन, क्योंकि अब वो हमारा देश का अभिन्न अंग बन जाएगा जब इन सारे क्लॉज से, तो उनको भी माइनॉरिटी की फैसिलिटी देनी चाहिए रिजर्वेशन की। द इंडियन सिटीजन फ्रॉम अदर स्टेट्स कैन नॉट बाय लैंड और प्रॉपर्टी इन JNK, पहले ही बहुत सख्त रूल था, अब ऐसा नहीं है। विल नाउ बी एबल टू परचेज लैंड और प्रॉपर्टी इन JNK। RTI एप्लीकेबल नहीं था, अब RTI एप्लीकेबल है। ड्यूरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली 6 साल था और अब 5 साल है। ड्यूरेशन इन यूनियन टेरिटरी ऑफ JK विल बी 5 ईयर्स, ऐसा इसलिए क्योंकि उसको यूटी करार दिया गया है। तो ये सिचुएशन है और ये वो हमारे हमारे देश में का एक अभिन्न अंग बना ये चेंज के बाद आर्टिकल 370 में। और पाकिस्तान के पीएम कह रहे हैं कि पहले इस पे बात होगी, उसके बाद वो शांति का प्रस्ताव आगे लेके जाएंगे। और ये मुझे जो स्क्रीन शॉट है NDTV की वेबसाइट से मिला है। नाउ आप देखें कि नेक्स्ट न्यूज है वो भी पाकिस्तान से जुड़ी हुई न्यूज है, जहां पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के सैंक्शंस की जो ब्लैक लिस्ट है उसमें लश्कर के जो मक्की कर, जो उनका हेड है हाफिज नहीं हेड यस हेड ही है उसका पूरा नाम यहाँ पे कहीं मेंशन होगा, मैं भूल गया, यस अब्दुल रहमान मक्की, इसको जो है ब्लैक लिस्ट में डाला गया। पहले बीजिंग इसको जो चाइना है इसको होल्ड कर रहा था, इस पर अपनी कंसेंट नहीं दे रहा था, फाइनली दे दी गई है। और उसके ऊपर एक पूरा आर्टिकल मैंने अपने एडिटोरियल में डिस्कस भी किया है, आप उसे गो थ्रू कर सकते हैं। नाउ अब नेक्स्ट न्यूज है श्रीलंका की तरफ से, जिसमें इंडिया ने फाइनेंसिंग अश्योरेंस दिया है, क्योंकि हम जानते हैं कि श्रीलंका के ऊपर एक फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, बहुत बड़ा डेट क्राइसिस है उनके ऊपर। और कुछ दिन पहले हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर वहां गए थे कि देखिए क्या सिचुएशन है सपोर्ट करने के लिए, और वो बात आगे बढ़ भी गई है, जिसमें इंडिया सेंड फाइनेंसिंग अश्योरेंस टू द IMF
on Monday, becoming the first of Sri Lanka's creditors to officially back the crisis hit island nation debt restructuring program. मतलब उन्हें हम सपोर्ट कर रहे हैं, उनको हम पीछे से सहारा दिए हुए हैं और उनके डेट स्ट्रक्चरिंग रीस्ट्रक्चरिंग प्रोग्राम में उनकी हेल्प करेंगे. अब समझते हैं कि एक्चुअली डेट रीस्ट्रक्चरिंग क्या है. अ प्रोसेस यूज बाय कंपनीज, इंडिविजुअल एंड इवन कंट्रीज टू अवॉइड द रिस्क ऑफ डिफॉल्टिंग ऑन देयर एग्जिस्टिंग डेट. मतलब जो उनके पर उधारी है उसमें वो डिफॉल्टर ना हो, इसी को कहते हैं डेट रीस्ट्रक्चर. मतलब जो जो उसका डिजाइन है, देखिए यहाँ पिक्चर ही बनी हुई है, जो उसका डिजाइन है उसे परिवर्तन कर देना, राइट. सच एज बाय निगोशिएटिंग लोअर इंटरेस्ट रेट. फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई इंटरेस्ट रेट आपके ऊपर 10 रुपए का लोन का इंटरेस्ट था तो उसको कह दें अच्छा ठीक है 9% लगा लीजिए क्योंकि हम 10% नहीं दे पा रहे, राइट. सो डेट इज रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब है जो भी उसका कैलकुलेशन था, जो हिसाब किताब था, उसमें कुछ तोड़ मरोड़ करना, उसमें कोई चेंज ले आना. और ये डेफिनेशन मुझे इन्वेस्टोपीडिया की वेबसाइट से मिली है, आप भी देख सकते हैं. साथ ही साथ ये समझते हैं कि एक्चुअली किस आउटस्टैंडिंग डेट की बात हो रही है, श्रीलंका पे किस चीज का डेट है, क्या उधारी है क्या. तो उधारी है उनके ऊपर किस चीज की, मार्केट बोरोइंग्स का 47% मार्केट से लिया, ठीक है. उसके साथ इंडिया का 2%, वर्ल्ड बैंक का 9%, जापान का 10%, एशियन डेवलपमेंट बैंक का 13% और चाइना का 10%. देखिए वर्ल्ड बैंक, जापान, इंडिया का 2%, उसके बाद एडीबी बड़ा बैंक है एशिया का, और एडीबी के बारे में भी पूछा गया है प्री में, उसको आप गो थ्रू कर सकते हैं, करना ही चाहिए. और चाइना का भी उसके ऊपर डेट है, ठीक है. तो वो दे नहीं पा रहे हैं, 2021 का डेटा है और इस हिसाब से उनके ऊपर डेट के नंबर्स बढ़ते चले जा रहे हैं. इस चार्ट में ये समझाने की कोशिश है कि वो एक तरीका है समझाने का कि आपके ऊपर क्रेडिटर्स का नंबर, जो लेनदार होते हैं, कमर्शियल बैंक्स, बॉन्ड होल्डर्स और गवर्नमेंट, मल्टीलेटरल जो आपके डेटर्स लेनदार होते हैं, IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, और आपके जो सप्लायर्स होते हैं, इन सबका पैसा आपके ऊपर डेट की तरह होता है, इसको आपको वापस करना है, राइट. लेकिन जिस ग्रुप के आप मेंबर हैं, क्योंकि देश की बात हो रही है, कंपनी नहीं है, तो जो भी आप जिस ग्रुप से एसोसिएटेड है, सपोज करिए आप साग की बात करते हैं कि आप साग के मेंबर हैं, आपने कहा हम आसियान के मेंबर है, राइट. सो इन सबको रेगुलेट करने वाली बॉडीज भी हैं इनके ऊपर, राइट. देशों का एकजुटपना, एक साथ आते हैं, काम करते हैं, डिसाइड करते हैं, अग्रीमेंट करते हैं देशों की भलाई के लिए. तो सपोज करिए अगर आप साग के मेंबर हैं और जो आपका जो जो इनको गवर्न करने वाली जो बॉडी है या जो देश आपस में मिलके कुछ डिसाइड करें आपके लिए कि इसको डेट को रिस्ट्रक्चर करना चाहिए या चेंज लाना चाहिए, तो वो आपके ग्रुप के हिसाब से पॉसिबल हो पाता है जिस ग्रुप में आप बिलोंग करते हैं. क्योंकि साग फिलहाल जो जो पिक्चर मिली है उसमें तो ये लंडन क्लब का ये देश है, लंडन क्लब का और इस और पैरिस क्लब का भी देश है. तो उस केस में आपको थोड़ी राहत पैरिस क्लब के आधार पर मिल जाती है क्योंकि जो जो ज्वाइनिंग नेशंस है वो कहते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, हमने इनको जो लोन दिया था वो 9% के हिसाब से दिया था, अब इसको 8% कर दीजिए अगर मेंबर्स अलाउ करें तो. पर अगर साथ के जो देश हैं, जहां पे आप देख रहे हैं कि स्पेशली जापान है, चाइना है, इंडिया है, तो इस केस में आसियान के भी देश हो सकते हैं जिनसे बोरो किया, मार्केट बोरिंग 47% है, तो आपस में मिल करके आपकी हेल्प कर सकते हैं और आपका जो परसेंटेज है लोन का वो भी कम कर सकते हैं, जैसा कि इंडिया कर रहा है. इंडिया ने IMF को ये इन्फॉर्मेशन भेज दी है कि हम सपोर्ट करेंगे. और दूसरी डिमांड उन्होंने चाइना से की थी कि चाइना भी उनको हेल्प करे, श्रीलंका ने की थी. तो देखते हैं कि कितना उनको हेल्प मिलती है और क्या रिस्ट्रक्चरिंग होती है. हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये समझना जरूरी है, इस चार्ट को भी आप मत समझिए, जरूरी क्या है कि डेट रिस्ट्रक्चरिंग क्या है जो हमने समझा, उसके साथ ही साथ IMF क्या है और IMF का बेल आउट का मैंने एक बार समझाया भी था अपनी वीडियो में कि बेल आउट क्या चीज होती है, बेल आउट कैसे मिलता है, क्योंकि यहाँ पे जो भी हो रहा है ना वो IMF से बेल आउट मिल रहा है श्रीलंका को कि अपने जो लोन को आप कवर अप करिए वरना आपके देश में क्राइसिस बढ़ता चला जाएगा और इकोनॉमी डूब जाएगी. तो बेल आउट IMF देता है, ठीक है. IMF के सपोर्ट के साथ श्रीलंका चल रहा है और इस साल का जो बेल आउट था वो डिले हो गया, ठीक है. तो हमारे लिए समझना क्या जरूरी है कि डेट रिस्ट्रक्चरिंग क्या होता है, IMF क्या है, IMF का बेल आउट कैसे चलता है, और मेंस के पर्पस से इंपॉर्टेंट ये है कि श्रीलंका जैसे देश जब एक फाइनेंशियल क्राइसिस में है, पाकिस्तान फाइनेंशियल क्राइसिस में है, तो आस पास के देश, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया, इंडिया हो गया और बहुत सारे देश हैं जिनके ऊपर संकट टकरा सकता है, तो उस केस में क्या स्टेप होना चाहिए और कैसे इन फाइनेंशियल क्राइसिस से हम बच सकते हैं, तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है. आगे चलते हैं. ना आप समझते हैं कि IMF एक्चुअली IMF के क्या मेन फंक्शंस हैं, हम उसके बारे में समझ ही रहे हैं. तो इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम ऑन एंड ग्लोबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स टू आइडेंटिफाई रिस्क, इसका काम क्या है कि क्या मॉनिटर करता है IMF,
ग्लोबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आइडेंटिफाई रिस्क एंड रिकमेंड पॉलिसीज फॉर ग्रोथ एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ठीक है, उसके साथ साथ तीन मेन फंक्शंस है उनके, सर्विलियंस देखते रहना कि कौन सी इकोनॉमी में कब क्या हो रहा है, उनके कौन कौन से पैक्ट हैं, कौन कौन से अग्रीमेंट है, कहाँ किस दिशा की तरफ उनका बिजनेस जा रहा है, वो एक्चुअली कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर आने वाले समय में उनका क्या पोजिशन होगा। फिर उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देना लो इनकम कंट्रीज को स्पेशली, उसके साथ टेक्निकल असिस्टेंस भी देना जैसा कि जरूरी है मैक्रो इकोनॉमिक्स के हेल्प से। तो ये IMF के फंक्शंस हैं, इनको आप गो थ्रू करिए, आपके प्री के लिए ये इंपॉर्टेंट बनते हैं। आगे चलते हैं, अब ये न्यूज है, हम सब जानते हैं जलीकट्टू पे सुप्रीम कोर्ट के जो नियम अभी पेंडिंग है, बट ये जो शब्द आया ना मंजू विरट्टू, ये भी तमिलनाडु का एक ऐसा ही कल्चरल खेल कह लीजिए है, जिसमें ऐसे ही बुल को तैयार करके आप देख रहे होंगे पिक्चर में, जवान लड़के या फिर जो जो वहां के लोकल लोग हैं उसको उसे खेलते हैं, कल्चरल एक्टिविटी करते हैं। और एक न्यूज आई है कि उस खेल के दौरान कुछ लोगों की मृत्यु हो गई। सो इस आर्टिकल से समझना क्या है कि मंजू विरट्टू क्या चीज है, ये प्रीम पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने इसको ऐड किया है। और मेंस के पर्पज से जरूरी है कि ये पक्ष लिया जा रहा था कि इसको जलीकट्टू को आगे बढ़ा देना चाहिए और जलीकट्टू एक कल्चरल एक्टिविटी है, इसके ऊपर इतना ज्यादा नेगेटिव इम्पोजिशन क्यों है, इसको मना क्यों किया गया है करने से। तो आप देखिए कि जब एक जानवर के ऊपर आप इस तरह का खेल करते हैं तो दोनों आस्पेक्ट होते हैं, आप भी कल्चरल एक्टिविटी तो है ही, बट ऐसे में लोगों की जान भी जाती है। तो क्या ये सही है, क्या ये ऐसा होना चाहिए, क्या इस खेल को आगे कंटिन्यू करना चाहिए, तो बहस तो वहीं की वहीं रही, बट यूपीएससी के प्री के एस्पेक्ट से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, शायद यह वर्ड आपको प्री में मिल जाए। तो मंजू विरट्टू और जलीकट्टू, देखिए शब्द भी सेम लग रहे हैं, तो पूछ सकते हैं दोनों खेल एक ही देश एक ही स्टेट से हैं, किस जानवर से जुड़े हुए हैं, कल्चरल इवेंट है या खेल है या क्या है, तो इसको आप प्रिपेयर कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट न्यूज है पाइन नीडल्स को लेकर के, पाइन के जो पेड़ होते हैं, जैसे अगर आपने अगर ज्योग्राफी को गो थ्रू किया है तो पाइन के जो पेड़ होते हैं अगर आप देखें उसमें लंबी लंबी डंडियां होती हैं, उनकी पत्तियां होती हैं, राइट, क्योंकि चीड़ के जो पेड़ होते हैं ठंडे इलाकों में पनपते हैं और बर्फ से बचने के लिए उनकी पत्तियां लंबी लंबी हो जाती, डंडी के समान हो जाती हैं। तो उससे हिमाचल की महिलाओं ने कुछ कामकाज लिवलीहुड अर्न कर रही हैं, उसके बारे में न्यूज है। सो और जिसको समझना जरूरी है हमारे लिए क्योंकि प्री में ऐसे क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं। सो दे टर्न द हाईली फ्लेमेबल लीव्स ऑफ चिर पाइन, फ्लेमेबल मतलब जिनको आग लग सकती है, हाईली फ्लेमेबल लीव्स ऑफ चिर पाइन, पाइन की पेड़ की पत्तियां, विच ऑफन एक्सरबेट फॉरेस्ट फायर, जिससे हमेशा जंगलों में आग भी लग जाती है, इनटू बास्केट, पेन स्टैंड, सर्विंग ट्रेस, मिरर एजिंग, ज्वेलरी बॉक्सेस एंड मोर। उन पत्तियों से यहाँ की महिलाएं कुछ बास्केट बना रही है, पेन स्टैंड बना रही है, जो काफी इकोसिस्टम के लिए जो फ्रजाइल इकोसिस्टम को बचाने का एक तरीका भी है। और जैसे कि कह रहे हैं कि जो चिरपाई की पत्तियां हैं वो आग में बहुत फ्लेमेबल होती हैं, आग बहुत अट्रैक्ट करती हैं, उसके लिए भी उन पत्तियों को भी यूज करने का बढ़िया तरीका है। और जो ये हो रहा है, जो ये सिस्टम है, जो लिवलीहुड क्रिएट की जा रही है, वो जीका से करी जा रही है। जीका क्या है, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी की सहायता से इसको शुरू किया गया था, जो वहां की महिलाओं में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में बाकी काफी प्रोमिनेंट है, और वर्किंग कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए, फंड करने के लिए, स्किल ट्रेनिंग के लिए इस चीज को यूज किया जा रहा है। इसके आगे की न्यूज बनती है कि हमें समझना है कि पेड़ होते कहाँ कहाँ पे हैं। तो ये हमारा जो इलाका है, मंडी का, कुल्लू, किन्नौर, शिमला, बिलासपुर एंड लाहौल स्पीति, जो ठंडी जगह है हमारे देश का हिस्सा है, वहां पे पेड़ ज्यादा होते हैं। और साथ ही साथ एक टर्म यूज किया गया, सरस। सरस का मतलब है सेल ऑफ आर्टिकल्स ऑफ रूरल आर्टिजन सोसाइटी, जो हमारे गाँव में काम करने वाले लोग हैं, आर्टिजन है, वो सोसाइटी कहते हैं सरस। सो वहां पे इन्होंने ऐसे जो चीजें बनाई उसको बेचा, उसे फंडिंग क्रिएट करी, और जी का जो हमारा जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी की सहायता से इसको इसको अंजाम दिया जा रहा है, जो एक बहुत अच्छा स्टेप है, और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को इंकल्केट करने का, सोशल इंक्लूजन का ये अच्छा स्टेप है, जो GS1 के पर्पज से इम्पोर्टेंट हो जाता है। और GS1 में ज्योग्राफिकल आस्पेक्ट से भी ये इम्पोर्टेंट है, कैसे अभी देखते हैं कि इस पेड़ को आप देखिए, तो जैसे कि उन्होंने कहा कि ये इस इलाके में है, तो इसका लोकेशन जरूरी है कि कौन कौन से इलाके में पेड़ होता है। देखिए उसकी लंबी लंबी पत्तियां हैं, और जिसका फल है ना, ये फल है, इससे निकलता, इस फल से एक बीज निकलता है, जिसे कहते हैं चिलगोजा, और काफी महंगा बिकता है, वो ड्राई फ्रूट होता है, और वो उसका भी इतना सिग्निफिकेंस है। तो इस पेड़ की पत्तियों को भी अब यूज करा जा रहा है, तो इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि ये बहुत फ्लेमेबल पत्तियां होती हैं, बहुत जल्दी आग पकड़ लेती हैं, और इसका फल काफी इसकी डिमांड है, जिससे चिलगोजा निकलता है, तो इसके आस्पेक्ट से भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे समझते हैं।
फिनिश्ड कलेक्शन ऑफ स्टेट्स व्यूज ऑन आइडेंटिफाइंग द माइनॉरिटीज एज सुप्रीम कोर्ट टू सेंटर। सो सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर से उनका पक्ष मांगा है माइनॉरिटीज की डेफिनेशन को डिफाइन करने के लिए, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, तेलंगाना, इन सारे चीजों, इन सारे स्टेट्स को यूटी से कवर करते हुए उन्होंने कहा है कि आप माइनॉरिटीज की डेफिनेशन को डिफाइन करिए, क्योंकि क्योंकि एनसीए और डिफाइन करिए, और नेशनल जो हमारी माइनॉरिटीज कमीशन है, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी व्यू दैट रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कम्युनिटीज ऑट टू बी आइडेंटिफाइड स्टेट वाइज, क्योंकि उसमें कहा गया था, उनका एक स्टेटमेंट है एनसीएम का, उन्होंने कहा था कि स्टेट की जिम्मेदारी है स्टेट वाइज उनको डिफाइन किया जा सकता है माइनॉरिटीज को, किस आधार पे, धर्म के आधार पे और भाषा के आधार पे। तो सेंटर का उन्होंने स्टेप मांगा है इस बार इस मामले में, फिनिश कलेक्शन ऑफ स्टेट्स व्यू ऑन आइडेंटिफाइंग माइनॉरिटीज स्टेट टू सेंटर। उन्होंने कहा अपना डेटा क्लियर करिए, कलेक्शन करिए डेटा का, और क्लियरली बताइए कि एक्चुअली माइनॉरिटीज की क्या डेफिनेशन है। So the center's position in the Supreme Court remained uncertain on Tuesday on whether its 1993 notification identifying Muslim, Christian, Sikhs, Buddhist and Parsis as minority communities needed reconsideration in light of a view by the National Commission for Minority। तो उसपे एक जो है प्ली सॉरी एक PIL डाली गई थी, उसके ऊपर डिस्कशन हुआ है, क्योंकि माइनॉरिटीज की जो डेफिनेशन सेंटर ने दी है वो पूरी तरीके से परिपक्व नहीं है, क्योंकि उसकी डेफिनेशन के हिसाब से माइनॉरिटी एंड ले डाउन गाइडलाइंस फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइनॉरिटीज एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, जिससे 14, 15, 21, 29 और 30 जैसे आर्टिकल्स हैं इनका हनन होता है। सो ये काफी आर्बिट्ररी है, इरेशनल है और कॉन्ट्ररी है इन सब आर्टिकल से, क्योंकि उन्होंने कहा कि माइनॉरिटीज का जो 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 डेफिनेशन है, जो उनको उनको डेफिनेशन या फिर क्लैरिफिकेशन है, वो स्टेट वाइज ही किया जा सकता है, या तो धर्म के आधार पर या फिर माइनॉरिटीज के या फिर भाषा के आधार पर, ठीक है। तो अभी इसके ऊपर सेंटर का फ्रंट आना बाकी है, देखते हैं कि वो क्या इस पे आगे न्यूज बनती है। सो द प्ली जो प्ली दायर हुई थी सुप्रीम कोर्ट में उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। द प्ली सेट द फैक्ट कंस्टिट्यूटिंग द कॉज ऑफ एक्शन अक्रूड ऑन मे 17, 1992, क्या हुआ था, व्हेन द एक्ट केम इनटू इफेक्ट एंड बाय यूजिंग अनब्रिडल्ड पावर अंडर सेक्शन 2C 92 में जब ये एक्ट बनाया गया तो उसमें मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी को माइनॉरिटी करार दिया गया एट नेशनल लेवल अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ TMA पाए रूलिंग ऑफ द टॉप कोर्ट। जो TMA पाए एक केस है उसकी रूलिंग, जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है उसको किनारे करते हुए, इट फर्दर क्लेम, वो क्लेम करता है कि सेंटर सेंटर थ्रू द नोटिफिकेशन डेटेड 23/1993 आर्बिट्रेरी नोटिफाइड 5 कम्युनिटीज एज माइनॉरिटी कम्युनिटीज विदाउट डिफाइनिंग माइनॉरिटी। मतलब उन्होंने सीधे कहा कि ये जो इस मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख और बुद्धिस्ट और पारसी माइनॉरिटीज हैं उनकी उनको डिफाइन किए बगैर, राइट, आप पहले बताइए किस आधार पे उनको आप माइनॉरिटी ले रहे हैं, ये सवाल है सुप्रीम कोर्ट का। एंड फ्रेमिंग गाइडलाइंस फॉर आइडेंटिफिकेशन एट स्टेट लेवल, और स्टेट लेवल पे उनका आइडेंटिफिकेशन भी जरूरी है। और 2000 में क्या हुआ कि जैन वर एडेड टू द लिस्ट, जैनियों को इस लिस्ट में ऐड किया गया, जिसको बाद में बिल्कुल ही मना कर दिया गया कि जैनियों को माइनॉरिटी का दर्जा नहीं दिया जाएगा, उससे बहस भी है। सो अब फिलहाल TMA पाए केस के आधार पे द लीगल पोजिशन इज वेरी क्लियर दैट यूनिट फॉर डिटर्मिनिंग स्टेटस ऑफ लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज वुड बी स्टेट। तो स्टेट की जो जिम्मेदारी है, स्टेट का डेटा कलेक्ट करिए और ये बताइए कि माइनॉरिटी की क्या डेफिनेशन है और किस आधार पे आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ यही कम्युनिटी के लोग माइनॉरिटीज हो सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का सवाल है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है, सुप्रीम कोर्ट ने एक और क्वेश्चन किया है, जो कुछ दिन पहले एक जजमेंट पास हुआ था, 2018 में एक जजमेंट पास हुआ था, जिसको कहते हैं पैसिव इथनेशिया एंड लिविंग विल, जिसमें कि जिसके ऊपर इच्छा मृत्यु, जो निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के मामले में जो एक जजमेंट दिया था सुप्रीम कोर्ट में, उसको सुप्रीम कोर्ट रीथिंक कर रहा है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जो प्रोसेस फॉलो हो रहा है वो काफी कंबरसम है, मतलब उसका कोई ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं, थका हुआ जो प्रोसेस है, बहुत ही ज्यादा पुराना तरीका उसमें इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, जिसको वो बदलना चाह रहे हैं। इसमें उसको मैंने हिंदी में से लिखा है ताकि आपको समझ में आए कि इस पैराग्राफ का मतलब क्या है। इसका मतलब ये नहीं है, मतलब जस्ट मैंने एक डेफिनेशन कलेक्ट की है गूगल से, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु यानी वो मामले जहां लाइलाज बीमारी से पीड़ित व्यक्ति लंबे समय से कोमा में हो, तब रिश्तेदारों की सहमति से डॉक्टर उसके जीवन रक्षक उपकरण बंद कर देते हैं, उसके जीवन का अंत हो जाता है। हालांकि बहुत से लोग मानते हैं कि सक्रिय हो या निष्क्रिय इच्छा मृत्यु हत्या है। इसी के आधार पर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था और उसको वो रिवाइज करने की सोच रहे हैं या फिर उसको दोबारा रीथिंक कर रहे हैं,
ठीक है। सो जो 5 जजेस की जो बेंच है, उन्होंने इस बात को 2018 के जो जो उनका जजमेंट है उसके लिए कहा कि विच अपहेल्ड पैसिव इथनेशिया एंड एडवांस डेरिवेटिव्स बट मेड द प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग इट कम्बरसम। बहुत ही थकाने वाला, बहुत ही लेजी वाला, लिथार्जिक प्रोसेस है। और उसके साथ साथ तो मेडिकल डायरेक्टिव्स को भी चेक कर रहे हैं कि किस आधार पे हम इसको चेंज कर सकते हैं। बट उनमें से एक जज ने ये भी बोला कि कैसे हम पता करेंगे कि क्रिटिकल बीमारी है कि टर्मिनल बीमारी है, इसको भी डिफाइन करना जरूरी है। हम सीधे उस जाकर के उस प्रोसेस को चेंज नहीं कर सकते। तो जस्टिस जोसफ, अभी देखते हैं कि आखिर सीनियर एडवोकेट से उनका डिस्कशन होगा, आगे इस बात में न्यूज आएगी कि एक्चुअली क्या प्रोसेस रहेगा और कैसे इसको ये इस जजमेंट को चेंज करेंगे या उसमें कुछ और ऐड करेंगे। द कोर्ट सेड इट फोकस्ड ऑन 3 एस्पेक्ट, 3 एस्पेक्ट पे उन्होंने ध्यान देने की बात कही है ऑफ एन एडवांस डायरेक्टिव। इट्स कंटेंट द मेथड इन विच सच अ डायरेक्टिव शुड बी रिकॉर्डेड विदाउट अ डेंजर ऑफ टेम्परिंग एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन। मतलब कोई भी टेम्परिंग, कुछ गड़बड़ी का उसमें कोई स्कोप ना हो, क्योंकि ध्यान दीजिएगा कि इसमें क्या लाइन यूज हुई है कि उनके रिश्तेदारों को की सहमति से। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत लंबी टर्मिनल इलनेस से या क्रिटिकल इलनेस से जूझ रहे होते हैं, और आसपास के रिश्तेदारों को अगर वो कोर्ट कह देती है कि वो अगर कहें तो उनके सिस्टम को हटाया जा सकता है, जीवन रक्षक उपकरण बंद किए जा सकते हैं, तो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकते हैं। तो उस केस में वो ये कह रहे हैं कि अभी इस पे हम उसको देखेंगे कि किसी भी तरीके से कोई डेंजर ऑफ टेम्परिंग ना हो उसको, मतलब उसका सिचुएशन, टेम्परिंग मतलब उसकी सिचुएशन को खराब ना किया जाए। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कभी भी इस सिचुएशन में नहीं होंगे जो कह पाएंगे कि मेरे को आ, आ, मेरी मेरे उपकरणों को हटा दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग कभी भी हॉस्पिटल जाते ही नहीं हैं, उनको कोई जीवन रक्षक उपकरण लगते ही नहीं है, पर फिर भी वो सालों से बेड पे हैं, वो कहना चाह रहे हैं। तो देखने वाली बात है कि आगे इस पे क्या डिसीजन बनेगा। द कोर्ट सेड वट एवर इट मे डू वुड ओनली बी स्टॉप गैप अंटिल द लेजिस्लेचर केम अप विद द लॉ। तो इसके ऊपर कोई नियम अगर लेजिस्लेचर बनाता है तो उसके ऊपर रीथिंकिंग की बात है, और कि वॉट एवर इट मे डू वुड ओनली बी अ स्टॉप गैप, मतलब कि जो गैप को कम करने के जो गैप, जो स्पेसिफिक सिचुएशन है वो लेजिस्लेचर पे है। तो कोई लॉ बनता है उसके ऊपर रीथिंक करे जाने की बात बन रही है। तो ये न्यूज थी, इम्पॉर्टेंट है, और ये हमारे GS-1 के पर्पज से भी इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ इसका जो आर्टिकल दो, जो इसका जजमेंट 2018 में आया था, आप उसे तैयार कर सकते हैं, ये पूछा जा सकता है मेंस में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये समझते हैं कि एक्टिव और पैसिव इथनेशिया क्या है। तो समझ में आया कि जी इच्छा मृत्यु का मतलब है कि अगर कोई बंदा बहुत समय से बीमारी से जूझ रहा है और आगे पॉसिबिलिटीज बहुत कम है, तो उसके रिश्तेदारों की सलाह से कोई लंबी बीमारी, लाइलाज बीमारी से पीड़ित है या कोमा में है, तो तब रिश्तेदारों की सहमति से डॉक्टर उनके जीवन रक्षक उपकरण को बंद कर देता है। तो ये दो तरीके का होता है, एक तो एक्टिव और एक पैसिव। समझते हैं कि एक्टिव पैसिव क्या है। एक्टिव इथनेशिया क्या है, डेलिबरेट एक्ट यूजुअली थ्रू द इंटेंशनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लीथल ड्रग्स। ये एक डेलिबरेट स्टेप है जिसपे हम उसको कोई दवा देकर के किसी की जिंदगी को समाप्त कर सकते हैं विद डॉक्टर्स इंस्ट्रक्शन। और पैसिव का मतलब है डेलिबरेट विद होल्डिंग और विड्रॉल ऑफ लाइफ प्रोलॉन्गिंग मेडिकल ट्रीटमेंट, जिसमें उनके जो उपकरण है उनको हटा करके उनके जीवन को, किसी के व्यक्ति के जीवन को समाप्त किया जा सकता है। तो एक्टिव का मतलब कोई ड्रग दे के, कोई एक्सटर्नल मेडिसिन दे करके, और पैसिव का मतलब है उपकरणों को हटा करके। ये दो तरह का है, जस्ट फॉर पर्पज ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैंने इसको यहाँ पर ऐड किया है। नाउ नेक्स्ट न्यूज है चाइना से ही, जिसमें उनका जो GDP परसेंटेज सिर्फ 3% रहा 2022 में, और ये न्यूज काफी न्यूज पेपर्स में आ रही है अलग अलग तरीके से। समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि चाइना का जो जीरो कोविड पॉलिसी के बाद वहां पे बड़ा इम्पैक्ट हुआ, और उसके साथ ही साथ इन्फेक्शन स्प्रेड हुए, और उसकी वजह से उनकी पॉपुलेशन भी नीचे आ रही है, साथ ही साथ उनका GDP परसेंटेज भी बहुत नीचे गया है। और इसको मैंने अपनी कल की न्यूज में कवर भी किया था, आप उसे गो थ्रू कर सकते हैं। ये गुड टू नो इन्फॉर्मेशन अभी के लिए है कि अगर वहां के GDP में गिरावट आएगी तो आसपास के GDP में भी या आसपास के देशों में भी इम्पैक्ट आ सकता है, ये समझने वाली बात है। और 1976 के बाद, माओ जिदोंग के रिवॉल्यूशन, कल्चरल रिवॉल्यूशन के बाद, ये बहुत बड़ा ड्रॉप है उस चाइना के लिए, और ये समझने वाली बात है। आगे देखते हैं कि ये कैसा टर्न अप होता है, पर फिलहाल इंडिया में भी स्लो डाउन की सिचुएशन है, ऐसा न्यूज आ रही थी। अब देखते हैं कि ये इकोनॉमिकल कितना बड़ा टर्न लेगा। ठीक है, अब आती है मैप की बारी, इसमें हम देखेंगे वियतनाम, फिजी और टर्की को। सो पहले देखते हैं वियतनाम, जो हमारा साउथ चाइना सी यहाँ पर के साथ लगा हुआ देश है, सामने का देश है, नॉर्थ लगा हुआ, जिसमें आप देखेंगे कि वियतनाम दिख रहा है यहाँ पे, हैनान है, चाइना है, हनोई,
जिसमें वियतनाम हनोई कैपिटल, लाओस इसे लगा हुआ है, फिर कंबोडिया लगा हुआ है, थाईलैंड नहीं लगा हुआ है, बट ये आसपास के देश हैं। थाईलैंड, गल्फ ऑफ थाईलैंड यहाँ दिख रही है, और साथ ही साथ हमारा साउथ चाइना सी है। आप देखते हैं कि काफी डिस्प्यूट की सिचुएशन रहती है इन आसपास के देशों में, तो इसका मैप देखना जरूरी है, ये प्रीमियम इंपॉर्टेंट है, और इसकी न्यूज भी बनती आती रहती है, क्योंकि चाइना वियतनाम पे अपना हमेशा अपना एक पकड़ बनाना चाहता है, उसको अपने कंट्रोल में लेना चाहता है, तो इसलिए वियतनाम को मैप में देखना जरूरी लगा मुझे। उसके साथ आप फिजी को देखते हैं, तो हम ऑस्ट्रेलिया के जस्ट सामने जो ये आपको दिख रहा है, छोटे छोटे आइलैंड दिख रहे हैं, फिजी है, और यहाँ पे कोरल सी पड़ता है, ओशियाना का की जगह बोली जाती है ये, और उसके ऊपर है नॉर्थ पैसिफिक ओशन। पास से देखें तो आप ये फिजी के छोटे छोटे जो द्वीप मिलके फिजी बनाते हैं, जिसमें आपका विटिलेबू, ये आइलैंड का आइलैंड ही है नाम है, और वानुलेबू, उसके साथ कोरोसी यहाँ पे दिख रहा है हमें, ऊपर है पैसिफिक ओशन एंड ग्रेट सी रिलीफ, ग्रेट सी रीफ यहाँ हमको दिख रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा फिजी। उसके साथ हमें टर्की दिख रहा है, जो ब्लैक सी इसके जस्ट सर पे दिख रहा है टर्की। उसके साथ लगे हुए देशों में आप देखिए बल्गेरिया है, ग्रीस लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। उसके साथ जॉर्जिया उसके बॉर्डर पे है, अर्मेनिया है, ईरान है, इराक है, सीरिया है, और लेबनान नहीं लगा है। और यहाँ पे तो कितने देश हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 देश लगे हैं इसकी बाउंड्री से। और अंकारा इसकी कैपिटल, टर्की अंकारा, इसमें से आप देखें कि मेडिटेरियन सी यहाँ हमको दिख रहा है। तो ठीक है, ये थे हमारे आज के मैप। आई होप कि आपको ये प्रेजेंटेशन समझ, आपको ये डेली न्यूज एनालिसिस अच्छी लगी होगी, प्रेजेंटेशन पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव होगी आपके लिए, और आपकी तैयारी में सपोर्ट करेगी। और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, कमेंट करिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और मेरे एफर्ट को रिजल्ट दीजिए, सो दैट कि मैं आपकी तरह ऐसे ही अच्छी अच्छी प्रेजेंटेशन लेकर आती रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट।